दोस्तों ये देखिए बेसन की बर्फी यहाँ पर कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, और आप यहाँ पर ये बर्फी का टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए स्वादिष्ट घर पे बनने वाली इस बेसन की बर्फी को बनाना हम शुरू करते हैं खाने की बात शालिनीज किचन के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालिनी, स्वागत है आपका शालिनीज किचन में। बेसन की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप बेसन, 1 कप शुद्ध देसी घी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से कटे हुए पिस्ता, आप चाहे तो काजू और बादाम भी ले सकते हैं, चाशनी बनाने के लिए 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। एक कढ़ाई में बेसन डालेंगे और गैस को करेंगे हम ऑन, साथ ही साथ हम बेसन में घी भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। बेसन हो गया है घी में अच्छे से मिक्स। अब हमें इस बेसन को भूनना है, तो गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और लो फ्लेम पे बेसन को हम लगभग 20 से 25 मिनट तक भूनेंगे, और बेसन को लगातार इस तरीके से चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर आप चलाएंगे नहीं तो बेसन कढ़ाई में जल जाएगा। बेसन को धीमी आंच पे भूनते भूनते लगभग 15 मिनट हो गए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बेसन है ये हल्का सा लूज़ हो गया है, बेसन ने घी को छोड़ दिया है। बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा डार्क ना हो जाए, और इसको अभी हमें 10 मिनट तक और भूनना है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम आप लो रखें, लो फ्लेम पे ही आप बेसन को भूनें, हाई फ्लेम पे ना भूनें। धीमी आंच पे बेसन को भूनते भूनते लगभग 25 मिनट हो गया है, बेसन हमारा यहाँ पर अच्छे से भुन गया है, तो अब हम डालेंगे बेसन में इलायची पाउडर और अच्छे से करेंगे मिक्स। इलायची पाउडर डालकर बेसन को मैंने यहाँ पर कर लिया है अच्छे से मिक्स, तो गैस को कर देंगे हम बंद और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें चाशनी तैयार करनी है, तो एक पैन में डालेंगे हम चीनी और डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी में डाला है 1/2 कप पानी, और गैस को करेंगे हम ऑन। 1 चम्मच की सहायता से चीनी को आप इस तरीके से चला दें। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। चीनी यहाँ पर पानी में अच्छे से घुल गई है, तो अब हम करेंगे गैस को मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे हम चाशनी को बनाएंगे। चाशनी को पकते पकते लगभग 3 मिनट हो गए हैं, और चाशनी यहाँ पर होगी हमारी बनके तैयार। तो चलिए चाशनी को हम चेक कर लेते हैं। 1 चम्मच में थोड़ी सी चाशनी लीजिए। थोड़ी सी चाशनी को हम उंगली और अंगूठे की मदद से इस तरीके से चेक करेंगे। चाशनी गर्म होती है तो थोड़ा ध्यान से करें। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो चाशनी है, 1 तार की चाशनी यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। चेक करने के लिए चाशनी को आप ठंडा करके ही चेक करें, अगर आप गरम गरम चेक करेंगे तो हाथ आपके जल जाएंगे। गैस को कर दिया है बंद, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें जो बेसन हमारा तैयार हुआ था इसमें चाशनी को मिलाना है, तो गैस को करेंगे हम ऑन और बेसन में डालेंगे हम चाशनी। जितनी चाशनी यहाँ पर मैंने बनाई थी पूरी चाशनी को हम बेसन में डाल देंगे, और एक करछी की सहायता से इस तरीके से बेसन को हम हिलाते रहेंगे। चाशनी डालने के बाद बेसन को हमें लगातार इस तरीके से चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। चाशनी बेसन में हो गई है अच्छे से मिक्स, तो गैस को करेंगे हम बंद, और ये जो मिक्सचर है इसको डालेंगे हम एक टिन में। बर्फी जमाने के लिए मेरे पास ये केक टिन है, इस टिन में मैं बर्फी जमा रही हूँ। आपके पास अगर टिन ना हो तो कोई भी गहरी प्लेट में आप बर्फी जमा सकते हैं, और ये जो बर्फी का मिक्सचर है इसको आप गरम गरम ही फैलाएं, इसको आप ठंडा ना करें। कढ़ाई से निकाल कर डायरेक्ट ही हमें इस मिक्सचर को एक प्लेट में या फिर टिन में डालना है। अगर आप इसको ठंडा कर लेंगे तो ये इसकी बर्फी नहीं जमेगी, ये जो मिक्सचर है वो टाइट हो जाएगा। बर्फी को थोड़ा सा हम पिस्ता से गार्निश करेंगे, तो आप ऊपर से इस तरीके से पिस्ता डाल दीजिए, और 1 चम्मच की सहायता से पिस्ते को आप इस तरीके से दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो पिस्ते हैं ये बर्फी से बाहर नहीं निकलेंगे और बर्फी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएंगे। मिक्सचर को भी हम चम्मच की मदद से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से फ्लैट करेंगे, इससे क्या होगा कि जो बर्फी की डिज़ाइन है बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें इस बर्फी को 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ना है, तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बर्फी यहाँ पर हमारी रूम टेम्परेचर पर हो गई है ठंडी, तो बर्फी को हम चाकू की मदद से काट लेते हैं।
बर्फ़ी यहाँ पर बहुत अच्छे से जम गई है और एकदम अच्छे से ये सेट भी हो गई है। तो आप अपने मन मुताबिक बर्फ़ी को काट सकते हैं, आपको जितने छोटे या बड़े पीस काटने हैं उसी हिसाब से आप बर्फ़ी को काट सकते हैं। बर्फ़ी को मैंने टिन से बाहर निकाल लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं जो बर्फ़ी है बहुत अच्छे से बनके तैयार हुई है। ये जो बर्फ़ी है ये घी में बनी हुई होती है और अगर आप इस बर्फ़ी को सर्दियों में बनाएंगे तो सर्दियों में घी जो है वो जम जाता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि टिन को आप डायरेक्ट ही गैस की फ्लेम पर 3 से 4 सेकेंड के लिए रख दें और इससे ज़्यादा आप ना रखें। अगर आप 3 से 4 सेकेंड से ज़्यादा रख देंगे तो बर्फ़ी जो है वो पिघल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है और बस रखने के बाद टिन को आप एक प्लेट में पलट लें और पलट के बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी निकल के बाहर आ जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो बर्फ़ी है टिन से बाहर निकल आई है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप यहाँ पर इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी, है ना मज़ेदार? और ये जो बर्फ़ी है देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर शेयर करें। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, मैं ऐसी ही नई नई रेसिपी लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।